हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टेड डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स फॉर आई बी पी एस आर आर बी स्किल टू स्किल थ्री इंटरव्यूज़ जो अभी हो रही हैं बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंसिस बहुत सारे जो हम मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने शेयर करा है एक्सपीरियंस तो दैट्स वाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे ठीक है विद यू सो यू कैन अटेंड द मॉक इंटरव्यूज ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे मेरा व्हाट्सएप नंबर तो अवेलेबल रहता ही है वहाँ पे यू कैन शेड्यूल योर मॉक इंटरव्यूज

पैनल uh, ढूंढ रहा है यू शुड नो दैट सो पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट किस तरह का एक आइडियल कैंडिडेट कौन है समबडी हु इज एबल टू रीलोकेट एनी वेयर इन एनी ओर स्टेट आप लुधियाना में आप जलंधर में आपको बोल दिया वहाँ पर जॉब है आपका आप जाओगे रीलोकेशन इज नॉट एन इश्यू फॉर यू आप कहीं भी रीलोकेट कर सकते हो एंड यू आर ए स्टेबल पर्सन ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ पे आरआरबी का पेपर दे रहे हो और कल को आपको पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करनी है आपको आर की तैयारी करनी है सो इट्स योर करियर अगर आपको अपने करियर में अच्छा करना है तो ये आपका टेंशन है पैनल का टेंशन नहीं है ये आप पैनल को नहीं बोल सकते कि मैं आर की तैयारी कर रहा था मैं फाइनल्स तक मीन्स तक गया ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात नहीं है टू तो बी वेरी फ्रैंक आपके लिए हो सकता है आपकी अचीवमेंट आपकी ही अचीवमेंट है वो पैनल की के लिए कोई मैटर नहीं करता है हर साल हज़ार लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं इतने लोग जो है दो ढाई सौ से ज़्यादा लोग आई गेस दो सौ लोग आर आर बी ग्रेड भी बनते हैं सेबी में पास होते हैं नाबार्ड में पास होते हैं पैनल का कोई लेना देना नहीं है आप पैनल के सामने उठ के बोल दोगे मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग फॉर यू अबाउट यू वो आपके लिए नेगेटिव है क्योंकि कल को आप फिर से एग्ज़ाम दोगे और आप पे जो इतना ज़्यादा पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन ने खर्च किया है आपकी ट्रेनिंग पे आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बैंक जो है एक आर है वो <coughs> वो मैनेजर्स ढूंढ रही है वो उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और फिर आपकी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करेंगे उन्हें ऑर्गेनाइजेशन चैनल चलानी है ब्रांच चलाना है पैसे कमाने हैं आप अगर अपने करियर में आई एस वाई एस बन जाओगे आर वे, ग्रेड भी लेवल तक चले जाओगे वो आपका करियर है ऑर्गेनाइजेशन को उससे नुकसान है सो तो अगर आप ब्रैगिंग कर रहे हो अपने प्रोफाइल के बारे में मेरे तो ये एग्जाम निकले हुए हैं या मैं तो ऐसा उस लेवल पे हूँ दैट इज अ बैड थिंग अबाउट यू सो so, स्टेबिलिटी जरूरी है इससे अगर आप ये चीजें थोड़ी हाइड करके चलो इनके इनकेस आपने आर या यू इस तरह के एग्जाम्स हैं आपने प्री क्लियर कर लिया है तो उसको हाइड करो ठीक है एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ब्रांच बैंकिंग अगेन स्केल टू ऑफिसर बनना चाहते हो मैनेजर बनना चाहते हो यू शुड बी एबल टू हैंडल ब्रांच बैंकिंग ये आना चाहिए आपको ना कि आपका क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छा है नो बडी इज़ बॉडर्ड अबाउट इट किसी को कुछ लेना देना नहीं है आपके करियर के बारे में दिस वर्ल्ड इज़ अ मीन प्लेस इट्स अ सेल्फिश प्लेस राइट जो बैंक है उसको अपने प्रॉफिट से लेना देना है जो पैनल है वो देख रहा है कि थोड़े स्टेबल लोग मिलेंगे आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो मैं होडसेल करना चाहता हूँ एवरीबडी हर बंदे के गोल्स अलग हैं मेरे गोल्स के कुछ लेना देना नहीं है आपका ज़्यादा राइट आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड आपके जो गोल्स हैं उसको शो मत करें पैनल के सामने दैट मैं यूपीएससी पी करूँगा या आरबी ग्रेड भी करूँगा नो जस्ट लेट देम नो दैट यू वांट यू आर अ बैंकर एंड यू वांट टू ग्रो इन योर करियर आप स्केल वन थे आप स्केल टू बन रहे हो जितना इसको ईजी रखेंगे जितना बोरिंग रखेंगे आपके सेलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा हैं <coughs>

कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बेसिक बेसिक टॉपिक है ये प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग एन के बेसिक टॉपिक्स आई बी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूनियन बजट में कोई गवर्नमेंट स्कीम है यूनियन बजट में बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स राइट बेसिक अगर आप बेसिक बैंकिंग के क्वेश्चंस का आंसर नहीं करवाते तो आपको फेल करने का आपको एक बहुत ब्राइट चांस हो जाता है जो बंदा यही नहीं बता सकता है कि रेपो रेट क्या है तो उसको सिबिल क्या है तो फेल होने का चांस हो जाता है यू शुड बी एबल टू आंसर बेसिक बैंकिंग आपका प्रोफाइल वाले क्वेश्चन सारे क्लियर होने चाहिए और आप बेसिक बैंकिंग के क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हो दैट्स इट एडवांस टॉपिक में रेशियो एनालिसिस है इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर एडवांस टॉपिक फिर भी यू कैन क्रैक द इंटरव्यूज राइट एडवांस टॉपिक में रेशियो एनालिसिस ईपीएस क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वगैरह क्या है बैलेंस uh, शीट का एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स का एनालिसिस uh, पूरा मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स का एक पी बनाया है जिसको थ्रू दैट फिफ्टी स्कीम्स हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड मुद्रा सुकन्या समृद्धि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आई रिपीट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि डे टू डे लाइफ में किस तरह चलती हैं ये स्कीम्स तो ये पता होना आपको जरूरी है प्रिपरेशन uh, अगर आप अभी कर रहे हो लास्ट मेरे टिप्स यही है कि स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिररर इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद मी अगर मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाए आई वॉज नॉट वर्किंग इन द लास्ट सेवन एट डेज ड्यू टू मेडिकल इश्यूज बट अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास कुछ सेल्फी स्टिक वगैरह कुछ ऐसा है तो रिकॉर्ड योर आंसर्स बेसिक क्वेश्चन कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन uh, के आंसर दे रहे हो बस बेसिक रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट का आप आंसर क्या है रेपो रेट तो वट यू नो अबाउट प्रायरिटी सेक्टर लर्डिंग एक कैमरा लीजिए फोन लीजिए रिकॉर्ड का बटन दबाइए किसी को दिखाना नहीं है कहीं अपलोड नहीं करना मैं तो ये वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ तो किसी को दिखाना है नहीं है आपने बस देखना है देखिए अपनी गलतियाँ ढूंढी है <coughs> उसके बाद इफ पॉसिबल आप मॉक इंटरव्यूज लीजिए मेरे पास आइए मैं भी अवेलेबल हूँ हम गूगल मीट पर मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं राइट कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए रीड बेसिक बैंकिंग सबसे पहले तो आप बेसिक बैंकिंग पढ़ के चाहिए अगर आपको बेसिक बैंकिंग के फंडे आपके क्लियर नहीं है तो थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू एंड ड्रेस अप वेल व्हेन आई से ड्रेस अप वेल बी फॉर्मल इवन इफ द पैनल इज काइंड ऑफ कैजुअल विद यू आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए फॉर्मल रहिए राइट एंड बी योर डोंट ट्राई टू बी सम मतलब डोंट ट्राई टू बी सम्स राइट आप जो खुद हो वैसे रहो अगर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है तो फेक एक्सेंट मत लेकर आइए बहुत बुरा लगता है राइट आपका जो एक्सेंट है डे टू तो डे लाइफ में वैसा रखिए अगर आपसे हिंदी में बात करना स्टार्ट करते हैं तो हिंदी में करिए इंग्लिश में बात करें जितनी आती है उतनी करिए कोई एक रुकावट नहीं होनी चाहिए बी योर सेल्फ कुछ अलग बनने की कोशिश मत कीजिए अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स विद द पैनल आर पैनल के साथ जब भी कोई कैंडिडेट आर्ग्यूमेंट करता है तो उसे फेल कर दिया जाता है और अपनी प्रोफाइल को ग्लोरीफाई करना बंद कीजिए बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं सर मैं तो सी डायरेक्टली जो मेरा भी ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टर मेरे पास चेयरमैन सारी फाइलें मेरे थ्रू ही होकर जाती हैं और मैं तो जी यूनियन का चेयरमैन हूँ तो मैं ये हूँ मैं वो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड कोई इंटरेस्टेड नहीं है राइट right? आपकी पर्सनल लाइफ uh, में क्या चल रहा है या आप अपनी प्रोफाइल को ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हो या आप अपने कॉलेज अपनी एडुकेशन को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई फ़ायदा होता नहीं है बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैंने तो जी बहुत कुछ उखाड़ दिया अपने एक अपने करियर में ट्रस्ट मी एट द एंड ऑफ द डे आप एक जॉब ही करने जा रहे हो एक इंटरव्यू के लिए ही जा रहे हो राइट right? वो पैनल में जितने लोग बैठे हैं वो आपसे आगे ही हैं आप जैसे तैयारी कर रहे हो मतलब क्या ही फर्क पड़ता है तो स्टॉप ग्लोरीफाइंग योर ग्लोरीफाइंग योर करियर योर एडुकेशन योर सेल्फ अपने आप को ग्लोरीफाई करना छोड़ दीजिए अपने से आगे वाले लोगों को देखना देखिए कि आपसे आगे बहुत दुनिया है राइट ये सोचना छोड़िए कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया करियर में ये माइंड में से निकाल के साइड पर रख दीजिए तो अच्छा होगा राइट सो so, uh, IBPS RRB Scale 2 Scale 3 Interview Preparation Course. It's available on BankExamsToday.com, in which we are providing video classes, notes, uh, video classes, chat report and the mock interviews. So, if you mock interview, then obviously benefit you will Right? And that's I guess all for today. I hope you like the today's session. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts, and I'm, I'm here to answer your doubts. So that's all for today, students. Thank you, and have a very nice day. Bye-bye.